तो नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आइस के ऊपर होगा। ठीक है, ये हमारा अच्छा टॉपिक है। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली आइस को पहले समझना है आपको पूरा। हम बेसिक से लेंगे, बेसिक से लेकर आगे तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइस को समझेंगे कि एक्चुअली आइस क्या होता है, कितनी बड़ी होती है। समझो हमारी आइस ये इतनी बड़ी है, ठीक है, ये इतनी बड़ी हमारी आइज होती है। फिर उसमें यहां से हम निकलता है हमारा आइज का पोर्शन, ठीक है, और ये जो होता है ना, यहां पे समझो हमारा हो गया आईबॉल पूरा, और सेंट्रल में छोटा सा जो ब्लैक कलर का होता है, और यहां पे समझो कोई लाइट आ रही है तो वो यहां पे ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे आइज की ये ऐसी शेप होती है पूरा प्रॉपर। और ये बड़ा जो मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली हमारे आंखों के अंदर होता है, इतना बड़ा आइज होता है हमारे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारी बेसिक हमारे आइज होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरह से होती है हमारी आइज। फिर उसके ऊपर हमें जो दिखता है ना, हमारे आंख के ऊपर जो दिखती है वो इस वजह से दिखती है, ये जो लाइन दिख रही है मेरी आंखों के ऊपर ये वाली, तो ये इस वजह से दिख रही है क्योंकि हमारे आइज की शेप इतनी होती है। और नीचे वाला जो होता है वो उस वजह से दिखता है, ठीक है। तो ये हमारी आइस की एक्चुअल शेप होती है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया आपका कैसे आइस होती है, ठीक है। तो आइस की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, सर्कल बनाना है छोटे छोटे। बेसिक में स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, आइस बनाने हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्टून वाले आइस बनाओ। ये अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। फिर ये वाला बनाओ, ये देख रहे हो आप, ये आइस थे, ये आपके कार्टून वाले आइस। शुरुआत में आपको बेसिक में क्या करना है, कार्टून टाइप में आपको आंखें बनानी है, ये इस तरह से। कैरिकेचर ड्राइंग में सबसे ज्यादा यही चलता है, हम जो पोर्ट्रेट होते हैं ना उसमें हम लोग जैसे के जैसे जैसे हमारे आईज दिख रहे वैसे बनाते हैं, लेकिन कैरिकेचर में ये सब नहीं चलता, ठीक है। कैरिकेचर में हम लोग अलग तरह से आई बनाते हैं, तो ये वाली आईज देखो, इस तरह से हमें आइस बनानी है कैरिकेचर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्टून टाइप में आइस की प्रैक्टिस करना है आपको, बहुत इजी है। जो स्माइली वगैरह होते हैं उनमें भी आपको आइस के अलग अलग शेप दिख जाएंगे, तो वो बेसिकली आपको लेने हैं और फिर उससे शुरुआत आपको करनी है। कैरिकेचर में हम लोग जितना ज्यादा डीप जाएंगे आइस में उतना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हमें 5 मिनट में बनाना होता है, तो हम लोग इतना डीप में नहीं जा सकते आइस के लिए। तो जैसे कि मैं अभी बनाता हूँ, तुम जो मैंने ऐसे बना लिया, बस इतना ही करना है, शेप समझ में आ गया, देखो बन गई हमारी आइस। ये ऊपर वाला शेप जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला, ये यही का है, और ये नीचे वाला जो यही का, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ये छोटी छोटी आइस बनानी पड़ेंगी, और इसमें भी आपको क्या करना है, डायरेक्शन समझना है। अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमारे आंख की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो क्या होगी, ऊपर देख रहे हैं तो हमारे आईज की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे देख रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो हम लोग को कैसे समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, शुरुआत में ड्रॉ करना है सर्कल, फिर उसको एक राउंड देना है, और पहला हमारा जो छोटा सा होता है ना आंख के अंदर पूरा काला काला, वो निकालना है, और सेम उसी तरह से दोनों जगह। तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा कहाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, उस तरफ दिख रहा है, ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये डायरेक्शन हो गई, उसके बाद दूसरा एक निकालो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, अब देखो ये बंदा कहाँ पे दिख रहा है, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे। देखो ये आप, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये जो है इस तरफ देख रहा है, ये जो है सामने की तरफ देख रहा है, और ये जो है नीचे की तरफ देख रहा है, ये भी है जो इस तरफ देख रहा है, और ये भी है
जो सामने की तरफ देख रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैंने ये बनाया ठीक है, और ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब मुझे बताओ ये किस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है ना। तो आपको ये समझना है पहले आइस के बारे में, ये बेसिक प्रैक्टिस आपको थोड़ी देर करना है। थोड़ी देर मतलब एक बीस बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली दस पेज आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको इसको भी डिवाइड करना है पाँच दिन में, पाँच दिन आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। कितनी? फाइव डेज। देखो चैलेंज देना पड़ेगा आपको हर चीज़, तब जाके आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक आइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग आगे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे होगी कार्टून टाइप आइज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आइज को बढ़ा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पेज को हटा लूँ शायद से, यहाँ पे नीचे दिखाऊँ, नहीं इस पेज को मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, तो दो पेज आ गए शायद से गलती से। ठीक, चलो कोई बात नहीं। और देखो मैं जो है अभी मैंने सेटअप भी चेंज कर दिया है, उसकी वजह है कि जो लाइट जो थी ना वो बहुत ज्यादा आ रही थी मेरे पेपर पे, उसके वजह से मैंने पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया। और मैंने सोचा इस तरह से एक बार एक वीडियो इस तरह से बना के देखते हैं, अगर सब कुछ सही हुआ तो हम लोग इसी की तरफ इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज मैं वापस वो पुराना सेट देखूंगा। ठीक है, वो ले लूंगा और वैसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये गई, तो चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये कार्टून टाइप हमने जो बनाया ना उसको आपको कम से कम पाँच दिन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक मिनट, में नेट ऑन कर लेता हूँ। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, वाईफाई चालू कर दो। ये मेरा ये आईपैड जो है ना वो चालू आईपैड है, मैंने अभी इसको लगभग चार्जिंग पे लगा के काम कर रहा था मैं इसके ऊपर, तो ये लगभग 70 के ऊपर था, और जैसे मैंने वापस इसको चालू किया तो ये वापस 23 के 24 आसपास दिखा रहा था। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती तो ये ऐसे नाटक कर देता है। चलो अच्छा भाई, मैं काम करता हूँ, मेरे पास जो पुराने हैं उसमें से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइस के कुछ शेप है मेरे पास, देखिए देखिए इसमें बहुत बढ़िया है दिखाए हुए है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको अभी चार्जिंग हटा देता हूँ ताकि आपको सबको दिखे अच्छे से ये। ठीक है, देखो बेसिक शेप इसको क्या बताया। ठीक है, इसमें क्या किया, इसने ऐसा किया है, फिर ऐसा किया है, फिर ऐसा किया है, और एक यहाँ पे सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो अभी आपको ये क्या लग रहा है, ये कौन सी तरफ देख रहा है? ये ऊपर की तरफ देख रहा है ना, डायरेक्शन इसकी ये डायरेक्शन होगी। तो आपको हमेशा जब आप ड्राइंग कर रहे हो ना तो आपको बंदा कहां पे देख रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये वाला, फिर इसको थोड़ा सा आईलेशेस दे दीजिए, हो गया है? ये हो गई दसी। अब ये देखो ये थोड़ी सी कार्टून टाइप में है ना, ये वाली, ये देखो इसने क्या किया, ये बड़ा सा ग्राउंड यहाँ पे लिया और दूसरा सा बड़ा सा राउंड यहाँ पे ले लिया, और इसको इसने क्या किया, इसने ऐसे बनाया। ठीक है, इसमें ऊपर उसने आईब्रोज दे दिए उसको। ठीक है, यहाँ पे उसने उसकी आईज बना दी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इसने हल्का सा डैश बना दिया, राउंड बना दिया। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो हमारे आई आपको के एकदम बराबर बीच में जो होता है ना ब्लैक वाला वो होता है, और ये जो होता है व्हाइट वाला हम लोग रखते हैं वो एक शैडो होती है, लाइट का सोर्स जो आता है हमारे आंखों पे वो दिखता है, तो वो हम लोग इससे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आपको एक चीज यहाँ पे कि आपको कहाँ पे प्रेशर देना है वो भी बाद में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सीख जाओगे। ठीक है, तो ये वाली हमने ड्राइंग कर दी। उसके बाद ये वाले देखो,
इसमें क्या है, सीधी आई बनाई है ऐसे ऐसी, ठीक है, और इसको यहां से ऐसा ले आए, ठीक है, यहां पे गए हो, ठीक है, और इसमें यह ऐसा लिया है, ठीक है। तो ज्यादा है नहीं आइस में, ज्यादा ड्राइंग ड्रॉ करने जैसा कुछ है नहीं, मुश्किल कोई है नहीं, जो मैंने पहले बताया ना। तो हमारी बड़ी आग कितनी बड़ी हो सकती है, फिर तो उसमें क्या होता है ना, आप समझ देखिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी बहुत मायने रखता है कि आपको, तो ये भी एक तरह की आई होगी, है ना, समझ में आया आपको किस तरह से बनाए। तो ये आइस की शेप को पहचानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमारे जो कैरिकेचर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो चीज देती है वो आइज होती है, आइज और नोज, यही ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, या फिर मैच करनी चाहिए, जो सामने वाला बंदा जो बैठा है, जो जो आपका सब्जेक्ट है वो बैठा है, वो मैच करना चाहिए, तभी उसको वो आइज सेम जैसे लगेंगे, ठीक है। और रही बात इस फ्लो की तो प्रेशर्स की, तो मैं आपको दिखा था, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे अच्छा प्रेशर देखो यहाँ पे क्या बनाया उसने, ये वाला देखिए, अभी ये वाला, ये वाला थी, तो प्रेशर कहाँ पे देना है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक सिंपल से अगर मुझे कोई आइस बनानी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हल्का दूंगा, और यहाँ पे जाके मैं इसका प्रेशर यहाँ पे मैं इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसको हल्का बना दिया, फिर तो यही सही, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो ये स्पेस है यहाँ पे मैंने एकदम हल्की बनाई, ठीक है, और जो ये वाला स्पेस है ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने ज्यादा प्रेशर दिया है, फिर उसको उसकी आइस के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर उसकी ये ऊपर वाली आइस शेप इसका हो गया, है ना। तो ये यही चीजें हैं बस, आइस में ज्यादा करने वाली कुछ चीज है नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ हटा दूँ, यहाँ पे रख दूँ, और कुछ चीज यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और अभी समझो मैंने एक आइस ले ली, अब मैं यह करूंगा यहाँ पे इसको ड्रॉ करूंगा, तो ये बंदा कहाँ पे दिख रहा है, क्या हुआ, ये बंदा कहाँ पे दिख रहा है, तो ये बंदा इस तरफ देख रहा है ना, इस तरफ देख रहा है बंदा, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो ये डायरेक्शन में कौन सी तरफ इसकी आप डायरेक्शन है, तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे बनाऊं, है ना, ऊपर, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये बंदा कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे उसकी नोज बना दो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्राइंग में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, समझो एक पिक्चर लेता हूँ, देखो ये वाली आइज बनाए ना, सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, देखो ये वाली मैच कर रही है ना, देखो इसकी आइज है ना, तो क्या किया इसने, बस बड़ी सी कर दी और साइड में बना के गोल बना के बना दी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है खास, इसलिए देखो, अब देखो ये जो आइस, इसमें फर्क देखो, अब देखो तीन चीजें हैं, छोटे बच्चों की आइस, सबसे पहला छोटे बच्चों की आइस कैसे बनानी वो भी आपको सीखना पड़ेगा, फिर थोड़े से मिडिल एज के बंदे, और फिर ओल्ड पीपल या फिर बुजुर्ग लोग, उनके भी आइस का तरीका, ड्रॉ करने का आइस तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ये ड्राइंग करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा
कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आईज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और जो मेरे एज के हैं या फिर 40 के आसपास है और 40 के बाद के या फिर 50-60 के ऊपर के जो बंदे हैं, जो फिर जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनकी आईज कैसे होंगी, ये सब पहचाना बहुत जरूरी है। तो मैं उसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर छोटा बच्चा है, हम लोग छोटे बच्चे की बात करें, तो उसका आईज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा राउंड ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ना, ये समझो ऊपर की मैंने आईब्रोज सॉरी एलिसिस बना दी उसकी, और उसकी आईज जो है ना जितना ज्यादा डार्क कर सकते हैं उतना ही ज्यादा इसको डार्क करना है। क्योंकि बच्चों की आईज हमें ज्यादातर ऐसे ही दिखते हैं। देखा ये पूरा बच्चे की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये बच्चे की तरह, देखो एक बार इसको, दिख रहा है ये बच्चे की तरह दिख रहा है ना। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नॉर्मल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं बंदों की आईज, वो गर्ल्स की अलग होंगी और बॉयज की अलग होंगी। गर्ल्स की भी अभी मैंने यहाँ पे बहुत से दिखाया, वो लगभग एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो हो सकती है गर्ल्स की हो सकती है, ये भी गर्ल्स की हो सकती है, ठीक है, ये भी गर्ल्स की हो सकती है, ठीक है, लेकिन बॉयज बॉयज के भी थोड़े अलग होते। तभी यहाँ पे इस बंदे ने ना थोड़ा सा दिखाया है। अब ये बंदा जो है ना कम से कम 50 साल के आसपास का है, ठीक है। तो मिडिल एज की हम लोग सिंपल बना देंगे, ठीक है। कैसे बंदे की अगर हमारे ड्रॉ करनी है तो हम लोग ऐसे कर देंगे, पेन मेरा शायद से ये खराब हो रहा है, काम करना बंद कर दिया इसने, इसकी इंक शायद से खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये मिडिल एज की बंदे की हो गई आईज, ठीक है। या फिर मिडिल एज के गर्ल्स की चाहिए तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल एज की गर्ल्स की हो सकती है, ठीक है। और जब हम लोग ये जो आती है ना वो लाइन आर्ट में इस तरह से आते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बनाया, देखो इस बंदे ने क्या किया है, सीधी लाइन मारी है, ठीक है, और फिर इसको ऐसा बनाया है, सर्कल लिया है, यहाँ पे बना दी, और ये वाली आइस, ये क्यों आ रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। जो हम लोग ओल्ड वाले जो बंदे होते हैं ना, जो बुड्ढे लोग होते हैं या फिर थोड़े से एज, पता बोलो बुड्ढा बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा एज जिनका ज्यादा है उनकी आईज लगभग हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्मल आईज हम लोग ये गर्ल्स की ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये आईज इस तरह से बन पाएंगी, ठीक है। तो बस आईज में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करो तभी ये पॉसिबल हो सकेगा, अदरवाइज जल्दी से नहीं होगा है। मैं और कुछ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस बंदे का लाइन आर्ट आपको का देखो, ये अलग अलग बना रहा है। अब चलो ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये भी पेज में थोड़ा सा हटा लेता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आगे और जाके आपको और थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए। और अभी शेप, आइस का शेप, आइस के भी बहुत सारे शेप हो सकते हैं। शेप मतलब देखो गर्ल्स में क्या होता है ना, अगर किसी के चिक्स ज्यादा बड़े हैं, ये चिक्स ज्यादा बड़े हैं, तो उसका शेप, आइस का शेप, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ऊपर गया, देखो ये ऊपर गया, ये जो पोर्शन है ना ये अपसाइड गया, ये वाला ये इस तरफ गया है, समझा, ये इस तरफ गया है। और कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे भी ड्रॉ करनी पड़ती है, कुछ कुछ बंदों की ड्रॉइंग आईज ऐसे भी होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से भी, ये हो गया शेप उनका, तो इन्हें भी हमें समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी ऊपर हो गई और ये आ गई नीचे, ठीक है।
तो अलग एंगल्स भी कभी कभी हम लोग सीधे निकाल देते हैं, ठीक है। एक सीधा, ये हो गया सीधा, ठीक है, सीधा, ये सीधा लाइन हो गया, सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन में आ गई, और ये आ गई नीचे की तरफ, ये गई ऊपर की तरफ, है ना, ये स्ट्रेट आ गई। तो एंगल्स को वो हमें पहचानना है, कभी कभी बड़े भी होते हैं तो राउंड शेप भी हो सकती है हाइट्स किसी की बड़ी बड़ी है, तो उसे भी हमें पहचान आना होता है। और ये तो ज्यादातर कार्टून में चली गई, ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो शेप को आपको पहचानना है कि बड़ा शेप है। गर्ल्स में देखो, जिसकी चिक्स मैंने बताया ना, चिक्स जैसे जिसकी ज्यादा चिक्स ऊपर होंगी, ज्यादा मोटी चेहरा मोटा होगा, तो उसकी आईज हमेशा थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब ये ऐसे क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस ड्रॉ करना है हमें। सीधे सीधे करोगे तो फिर वो चेहरे को सूट नहीं करेगा, फिर सही से आपका कैरिकेचर नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा आपका कैरिकेचर, ठीक है। तो ये बस ये चीज़ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और बस मैं वही बताया कि सबसे पहले क्या करना है हमें, पहली चीज थोड़े से बेसिक छोटे बच्चों वाले ड्रॉ करने हैं आईज, सॉरी कार्टून टाइप आईज ड्रॉ करने हैं, जैसे हमारे स्माइली वगैरह जो होते हैं ना हमारे मोबाइल में होते हैं हमेशा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, वो स्माइली वाले टाइप्स के हमें आईज शुरुआत में ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ये बेसिक हमारी प्रैक्टिस। उसके बाद आईज की हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन, किस तरफ देख रहा है बंदा, ये भी इसी तरफ देख रहा है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड में हमने हमने क्या किया, सेकंड में हमने कार्टून टाइप में बनाया, ठीक है, ये कार्टून टाइप में हो गया, ये स्माइली टाइप में हो गया, उसके बाद हमें कार्टून टाइप में बनाना है, कार्टून टाइप में लगभग मतलब ये अभी जो बनाया ये वाला हो गया, या फिर इस तरफ से, ये भी कार्टून में ही आता है, ठीक है। और कैरिकेचर में बनाना है तो कैरिकेचर में एक्चुअली बताऊँ तो आप किसी भी तरह से ड्रॉ करना चाहिए, बस वो चेहरे से आपको मैच करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, चेहरे में वो दिखना चाहिए, बस वही करना होगा हमें, है ना। कार्टून में थोड़ा सा ड्रॉ करना है पहले ये वाला, ठीक है, और स्माइली वाला, हाँ स्माइली वाला, फिर कार्टून में ड्रॉ करना, फिर हमें क्या लेना रहे लेना है, कुछ सैंपल्स लेने हैं, जैसे कि ये वाला भी, ये दिखाओ, इसकी आईज बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो इसने ऐसे बना, अभी देखो ये वाला, देखिए इसमें और इसमें जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, देखो ये वाली आईज थोड़ी सी ऊपर गई इसकी, ठीक है, और ये वाली आईज थोड़ी सी नीचे आ गई, मैच कर रहा है, इसकी भी देखो थोड़ी सी सीधी है, इसकी देखो कैसी है ना, है ना, बस थोड़ी सी दो चार ये लाइन देना, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी ऊपर है और इसकी ज्यादा ऊपर जा रही है, तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आईज थोड़ी सी ऊपर जाएंगी उसकी, ठीक है, तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है आईज। और दिखाऊं मैं इसमें एग्जांपल, ये वाला देखो, जो ये भी सही है ना, तो फेस के एंगल के ऊपर भी बहुत बहुत से बार डिपेंड होता है, ठीक है, कि अब फेस बंदा कहाँ पे देख रहा है, समझो ये साइड देख रहा है, तो आपको वो उसका डायरेक्शन क्या है, आप जो बैठे वहां से वो आपको कैसे दिख रही है, वो उसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन आपको चेक करनी है, ठीक है, हमेशा। तो ये भी बहुत सही बनाया उन्होंने। अब इसकी देखिए, इसकी आंखें देखिए क्या बनाया इसमें, ये बंदे ने क्या सीधे लाइन खींची है दो, है ना, ऐसा किया, ऐसा किया बस, और यहाँ पे उसकी आईज बना दी, हो गया, क्या मुश्किल है देखो, फिर उसको ऐसे कर दिया, हो गया। तो इन सब चीजों की आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले आपको करनी है, फिर आपको तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया शायद से, वो नॉर्मल स्केच करनी है आपको, रेफरेंस,
रेफरेंस लेके आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इस बंदे की आईज देखो कैसे ड्रॉ की है इसने, है ना, बहुत ही क्या कितना मुश्किल है। देखो मैं आपको बताऊँ कितना मुश्किल है, देखो इसने क्या किया है, ऐसा किया है, ठीक है, बस ऐसे किया है, है ना। बस तो भाई इसकी आई कितना मुश्किल है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसने दे दिया, हो गया, इतनी मुश्किल है, सिंपल है। तो आईज को ड्रॉ करने में ज़्यादा दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, बस आपको 20 पेजेस डेली ये आपको प्रैक्टिस करनी है यार। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है ना 20 वाला माइंड में रख लो, बस ये करना ही करना है। आप चाहे इसमें करो, ये वाली करो, ये वाली कोई सी भी, आपको 20 डेज का चैलेंज देना ही है। हर चीज़ को आपको आईज नोज लिप्स सब चीज़ को आपको 20 डेज करना है, यही बस फॉर्मूला है। अगर आपको कैलची करना है 90 डेज में आपको रिजल्ट 100% दिखेगा, देखा मैं बोल रहा हूँ। आप आज का दिन जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो वो दिन और 90 डेज में फ़र्क आप जान जाओगे क्या करना है, ठीक है। तो आईज में ज़्यादा कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कुछ सिखाने वाली चीज़ है नहीं, बस आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। रेफरेंस को लेके शुरुआत में कार्टून वाले लोग, कार्टून के बाद फिर थोड़ा स्माइली वगैरह उनके भी आईज ड्रॉ करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलो और उसमें आप रेफरेंस लो, अच्छे से पिक्चर्स लो, फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से बस इतना ही है। आईज में ज़्यादा कुछ सिखाने वाली चीज़ है नहीं, देखो इसमें अलग से आईज बनाए, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से हमारे आईज का जो है टॉपिक, मैं बस कहूँगा कि इतना ही है और यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, ठीक है। 5 दिन आपको ड्रॉ करना है और हर एक दिन में आपको एक एक सैंपल बोल रहा हूँ मैं, ये करना है, मतलब एक एक स्टाइल ड्रॉ करनी है आपको। तो पहले दिन में आप अगर कार्टून ड्रॉ कर रहे हो तो कार्टून ड्रॉ करिए, दूसरे दिन आप थोड़ा सा उसके थोड़ा सा आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए, मतलब बच्चों वाले आईज ड्रॉ करना सीखे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाइए, फिर आप सैंपल आप ये लीजिए, रेफरेंस लेके थोड़ा सा ड्रॉ कर दीजिए, बस। तो आईज में बस इतना ही है, मुझे लगता नहीं कि और कुछ सिखाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो इतने में आपको आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।